हाँ जी, राम राम सा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, जल्दी जल्दी आ जाइए। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि आज मेथड का अपना है शिक्षण विधियों का, कोशिश करेंगे यहाँ से जितना पार्ट हो सके वो क्लियर हो जाए आप लोगों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो सपना, मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल सही हूँ। गुड़िया आ गई है, हितेश भी आ गया है, मैं बिल्कुल सही हूँ बेटा। गुड इवनिंग शबनम, दिनेश, खुशबू, एकता, सुनीता आपके आगे बहुत सुंदर है आज सुनीता नहीं जी, सुभाष चंद्र जी बिल्कुल स्वीकार कर लिया। हाँ अब बातें खत्म, क्लास में सब शांत हो जाओ। ओके अवनी, थैंक यू। चलिए फटाफट आ गए हैं आप लोग। ओके, आप बुक पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पढ़ाती हूँ, सब माँ सरस्वती की कृपा है, उनका आशीर्वाद है बस। और तो पढ़ाते सभी अच्छा ही हैं, सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरुआत करें। ओके, शुरुआत करते हैं हम अपने मेथड की क्लास का। सब एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी अंजू राठौर, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ये अपना रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है जो आप ले सकते हैं, और 15 इसमें पेपर हैं जो अपने यहाँ पर चल रही है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उससे अलग क्वेश्चंस हैं ये। हैप्पी सिंह, वाह आप बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छी बात है खुश होना। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? नहीं बेटा सुभाष चंद्र, ऐसा नहीं है, बस ठीक है, साथ हैं आप लोगों के। ओके बेबी डॉल, हेलो नवीन, बिल्कुल बहुत आशीर्वाद सभी को। राजेंद्र जी बहुत आशीर्वाद राजेंद्र। चलो शुरुआत कर दो फटाफट आंसर देने की। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, ये है अपना पहला प्रश्न। आप लोग आंसर दे रहे हैं डी। ओके, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ बोलना, बोलना मतलब अगर बच्चों हम बात करें तो कौन सा कौशल हो गया हमारा? उच्चारण। तो उच्चारण कौशल का विकास किससे नहीं होगा? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण में बच्चा बोलेगा तो बिल्कुल, ये तो है। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन में भी बच्चा बोलेगा तो इससे भी होगा यहाँ पर अगर कहें विकास तो। कविता पाठ, कविता पाठ से भी विकास होगा बोलने का, क्योंकि वो भी पाठ कर रहा है तो बोलेगा। प्रतिलिपि, बच्चों प्रतिलिपि का संबंध है लेखन से। जैसा किसी भी पुस्तक वगैरह में लिखा हुआ है आप उसकी जो की त्यों नकल करके लिख रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि से बोलने का नहीं बल्कि लेखन का क्या होगा, इसमें विकास होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, जरा देखिए, व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। जी मिथिलेश बेटा, फरवरी है केवीएस पीजीटी वाला, तो केवीएस के सारे ही एग्जाम फरवरी में है, बाकी कंफर्म मुझे नहीं है, बाकी फरवरी में है ये पता है। आंसर आ गया है आप लोगों का सी। ओके, देखो अगर हम लोग बात करें यहां से, ये कह रहे हैं कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है।
अर्थ ग्रहण है। व्याकरण शिक्षा की अगर बात करें तो शब्दकोश वगैरह में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी ही। ये जरूरी नहीं हर शब्द का हम अर्थ लेते ही हैं। समाचार वाचन है, सस्वर वाचन, और आप सबको पता ही आया हुआ क्वेश्चन मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ है चुपचाप हम किसी चीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चुपचाप हम पढ़ेंगे तो उससे सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण होगा। जैसे आप लोग मौन वाचन करके पढ़ रहे हैं तो आप कि जो विषय वस्तु है उसमें अगर कहें अर्थ ग्रहण तो होगा ही, एकाग्र शक्ति का भी आपका क्या होगा, विकास। चिंतन मनन की शक्ति का भी फिर मौन वाचन से क्या होगा, विकास। ज्ञान का क्या होगा, स्थायीकरण होगा। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो कौन से वाचन में है बच्चों, मौन वाचन में। हेलो प्रियंका, आगे देखो, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। हेलो अनिल, सी और डी, तो आंसर आप लोग बता रहे हैं। अभी तक आपके आंसर सबके वैसे लगभग लगभग सही आ रहे हैं। यह हमारा तीसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत। जी बिल्कुल बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो आपके आंसर सही है सी, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। बेटा भाषा परिवर्तनशील होता है, देखो भाषा का एक मानक रूप होता है, इवन हर भाषा का एक मानक रूप होता है। अंग्रेजी में कहें तो स्टैंडर्ड, वैसे अगर कहें सर्वमान्य, जिसको आधार बनाकर हम उस भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं सभी। तो ये है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। स्थूल का अर्थ है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो अगर हम देखें हम बड़ी चीज़ों को क्या करते हुए आते हैं, छोटा करते आते हैं। जैसे बुढ़िया की बजाय शुद्ध शब्द बुढ़िया है और हम लोग क्या बोल देते हैं, बूढ़ी आम भाषा में। तो स्थूल से किसकी ओर आते हैं, सूक्ष्म की ओर। भाषा अर्जित संपत्ति है, एक होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति हमें अपने माता पिता से जो कि त्यों हस्तांतरित हो जाती है, बस एक साइन की जरूरत है। अर्जित संपत्ति के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपके माता पिता किसी भी भाषा के प्रोफेसर हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा आपको भी आती है। आपको उसे सीखना होगा तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। और तो भाषा परिवर्तनशील नहीं है, नहीं बिल्कुल भाषा परिवर्तनशील है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। अभी तक कहीं भी एक जगह रुकाव नहीं हुआ है, लगातार यहाँ पर क्या होता जा रहा है, हिंदी भाषा में परिवर्तन होता जा रहा है। तो बिल्कुल भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है, तो नहीं है इसकी वजह से, ये इसकी विशेषता नहीं है। हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि श्रेष्ठ रहेगी। हेलो रेखा, आगरा से है प्रियंका, ठीक है, ओके। राकेश मेहर पहली बार आए हैं, स्वागत है। नहीं नहीं प्रियंका, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, शिक्षक कभी परेशान नहीं होता अपने विद्यार्थियों से। देखिए जी, आंसर इस बार अलग अलग आ रहे हैं, ए और सी। डी भी आ गया है, कक्षा अभिनय। ए भी आया है, व्याख्या विधि। बच्चों देखो, यहां से सुखविंदर, यशवंत, ये सब बच्चे आंसर दे रहे हैं ए। मुझे थोड़ा सा नाम यहाँ पर दिखाई दिया है कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, और कुछ बच्चे कह रहे हैं ये सभी। तो ये तीन आपके क्या आ रहे हैं आंसर, रंगमंच तो हटा दी है आप लोगों ने। वैसे अगर हम कहें रंगमंच नाटक के लिए एक श्रेष्ठ विधि होती है, और कक्षा अभिनय और रंगमंच में सबसे बड़ा जो अंतर है वो होता है क्षेत्र का। कक्षा अभिनय का जो क्षेत्र है वो छोटा होगा, सीमित है, और रंगमंच का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, बड़ा है। अगर हम लोग बात करें, आप यहीं पर गांठ बांध लेना बच्चों, कभी भी अमनोवैज्ञानिक उत्तर नहीं देना है। आपसे पूछा कि दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते कौन सी विधि अपनाएंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं व्याख्या। आप सबको पता है व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक विधि कभी भी उत्तर में नहीं देनी है। साइकोलॉजी कहती है हमेशा मनोविज्ञान को अपनाना है, यानी हमें बच्चों
आपका जहाँ सक्रिय रूप है वो देखना है। तो व्याख्या में तो आपको पता है केवल शिक्षक सक्रिय रहेगा, वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि होने की वजह से ये इस प्रश्न के आंसर में नहीं आएगी, तो ये तो अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, रंगमंच की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक, कक्षा अभिनय की बात करूं तो ये विधि भी कैसी है बच्चों, मनोवैज्ञानिक है। तो ये है हमारी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कहानी पढ़ाना है, तो कहानी पढ़ाने के लिए रंगमंच नहीं है, नाटक की है। कहानी पढ़ाने के लिए फिर उपयुक्त विधि कौन सी होगी, कक्षा अभिनय। ये सभी क्यों नहीं आई, क्योंकि व्याख्या है मनोवैज्ञानिक है, तो ये नहीं आएगी। कक्षा में अगर पढ़ाना है तो श्रेष्ठ जो विधि होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर कक्षा अभिनय। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों इसका, सी। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति और दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। बेटा सिर्फ हिंदी के ही है थर्ड ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर जो है, आप लोग आंसर देने लग गए हैं सी जी। और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सी बता रहे हैं, लगभग कुछ बच्चों ने डी बोला है, बाकी लगभग सी पर है। एक बार देखते हैं, ये कह रहे हैं कि लेखन क्षमता का विकास करना है तो उसके संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लेखन का अभ्यास तो नहीं होगा, मानक वर्तनी का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसके विकास की बात हो रही है। तो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, वो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हो सकता है डी सोचें एक दो को छोड़ करके, बाकी तो सभी यहीं पर है कि जो भी बच्चे ने सुना है, पढ़ा है या समझा है, वो अगर उसे लिखने को कहा जाएगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति आसानी से कर पाएगा और उस अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके लेखन क्षमता का विकास अपने आप हो जाएगा। तो आंसर पर बात करें तो आंसर आया सी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, देखिएगा चरा चार ऑप्शन है आपके लिए। ओके राकेश झालावाड़ से लाइव हैं आप, मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल आ गए, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं इस नंबर से 8209 है 485 5508, शुरू का भी लिख देती हूँ 8209। ये ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, ओहो बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं बी। ये डी वाला कौन है भाई, बेटा वो आप वहां पर फोन करके पूछेंगे, प्राइस आप बता देंगे। हाँ लगभग बच्चे आप बिल्कुल सही है बी। अगर कहें उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, सही रूप से तो बच्चा समझेगा ही। व्याकरण के नियमों को रटना, रटना तो कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि रटना मतलब अमनोवैज्ञानिक है, तो अमनोवैज्ञानिक तो हमें करना ही नहीं है, तो बी तो आएगा ही नहीं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, सृजन शुद्ध जो होता है वो ये होता है, मैं काफी बार बता चुकी क्यों आप लोगों को, एक बार फिर बता दिया है, तो ये भी ठीक है। और दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना, तो ये भी सही है, तो रटना वाला नहीं होगा। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना और व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। हेलो हरचंद, नमस्ते जी। सुमन झुंझुनू से नमस्कार स्वीकार किया आपका जी। दलपत आप समय पर आ गए, स्वागत है आपका। आंसर आ रहा है ए और बी,
ये पहला प्रश्न है। इससे पहले एक बार थोड़ा सा ही आप गड़बड़ हुए थे एक जगह, और ये अब वो जो कक्षा अभिनय विधि थी वहां पर जाकर कहानी वाला जो था दहेज प्रथा की कहानी कौन सी विधि से अपनाए पढ़ाएंगे। अब यहाँ जाकर फिर से दो आंसर आ रहे हैं, ए और बी। बेटा पेपर आएगा तब पता चलेगा कैसा आएगा, या तो कथन में आएगा या सीधा आएगा, और तो क्या ही आएगा। जी आप लोगों ने आंसर दिया है ए और बी, चलिए बात कर लेते, डबल आंसर है, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना और बिंदुओं की परिभाषा करना, ये दो तो नहीं है। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, एक है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, एक है भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। अब ये अति तो सर्वत्र वैसे ही वर्जते है, तो वो तो आएगा ही नहीं। अगर हम लोग बात करें भाषा प्रयोग में व्याकरण का क्या रखना है ध्यान, तो ये चीज यहां पर क्या रहेगी सही, तो बी नहीं, आंसर क्या आएगा ए। व्याकरण का क्या रखना है ध्यान जहां तक हो सके, तो ए वाला आंसर सही है, बी वाला नहीं है। ओके आपका शिक्षक में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए यह कथन किसका है। जी बिल्कुल राम पढ़ाते हैं एसआई के लिए भी। बेटा आपको मैनेज ही करना पड़ेगा, जहां तक हो सके थोड़ा टाइम निकालकर आप अपने स्टडी को सुचारू रखें। दोनों का ही अपनी अपनी जगह अहमियत है, शादी भी जीवन में एक ही बार होनी है, और ये अभी वीकेंसी तो खैर आगे भी आएगी लेकिन पहली तो पहले है, मतलब नौकरी तो है, तो दोनों को आप बैलेंस कीजिए। ओहो इस बार भी आंसर्स अलग अलग हैं, बी भी आ गया है, डी भी आ गया है, ए भी आ गया है। जी तो आंसर देखो, ये तो कथन है, मैंने कोशिश की है महत्वपूर्ण कथन आपके लिए ले आई, बाकी कथन जो है वो हम कहें तो याद जितने हैं इम्पोर्टेंट वो आप याद कर सकते हैं, बाकी कभी कभी तो ऐसे आते हैं जो हमें कहीं मिलते भी नहीं है। तो यहाँ पर बात करें हर्बर्ट, हर्बर्ट स्मृति स्तर इनकी देन थी, और ये कहते थे कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान का स्थायीकरण हो पाए। तो इसलिए उन्होंने जो आंसर दिया था वो बी दिया था, मतलब हर्बर्ट का ये कथन है। कौन सा कथन असत्य है, प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए, प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है, प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होता, और सभी कथन सत्य है। बेटा एसआई के लिए ऑनलाइन बैच अभी लाइव तो होगा वापस से शुरू, अभी एक तो कंप्लीट हुआ ही है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आप लोग आंसर दे रहे हैं सी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लगभग बच्चे सी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, असत्य कथन पूछा था, तो कह रहा है प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होता, तो नहीं से शायद आपने समझ लिया, बिल्कुल जो भी उद्देश्य होते हैं उनसे बिल्कुल क्या होता है, संबंध होता है, तो आंसर क्या आएगा सी आएगा। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, विषय वस्तु के विश्लेषण करने से, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा, कोई भी नहीं, सोच करके आप आंसर दीजिएगा। हिंदी फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू होगा भाई अभी 8 तारीख से,
बी और सी दो आंसर हैं। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता किससे मिलती है? बी और सी, यानी क्वेश्चन ठीक है। ये तीसरा प्रश्न आ रहा है 10 में से, जहां आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं बता देती हूँ, ये कह रहा है शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। ये कह रहा है उच्चारण संशोधन द्वारा और ये है वाचन द्वारा। उच्चारण संशोधन द्वारा तो बच्चे की अशुद्धि को हम क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है। और वाचन जब बच्चा करेगा तो उससे शुद्ध भी बोल पाएगा और स्पष्ट भी। भाई वाचन है जैसे सस्वर होगा या मौन वाचन कोई सा भी हो, तो इसका मतलब वाचन कौशल के द्वारा शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता विकसित होगी। तो आंसर पहले होगा इसमें सी, बी नहीं आएगा। वो तो आप अशुद्धि दूर कर रहे हो उच्चारण की, और योग्यता जो मिलेगी वो वाचन के द्वारा। सस्वर वाचन आप जब करेंगे तो वहां से आएगा। गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? छात्रों में आत्मविश्वास लाना, अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने का अभ्यास होता है, और ये सभी। सेकेंड ग्रेड का भी 8 तारीख से ही शुरू है बैच लाइव। डी सी जी, चलिए बात करें। ए भी बता रहा है कई बच्चे। तो गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? छात्रों में आत्मविश्वास लाना बिल्कुल है। अतिरिक्त समय का सदुपयोग, घर पर जो अतिरिक्त समय है उससे गृह कार्य करेगा तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, यही सोचकर अध्यापक बच्चे को घर के लिए कार्य देता है। करने का अभ्यास होता है, बिल्कुल। वो जब गृह कार्य कर रहा है बच्चा, तो उसका जो भी कार्य है उसका करने का क्या होता है, अभ्यास। तो इसका मतलब ये तीनों है, यानी आंसर क्या होगा, ये सभी। छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। अरे करने का अभ्यास, यानी कार्य करेगा तो करने का अभ्यास होगा। आप समझे नहीं, अनुकरण करता है, करने का अभ्यास होगा। करने का अभ्यास यानी कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका अभ्यास होगा, वो अधूरा नहीं था। करने का अभ्यास, गृह कार्य करने का अभ्यास होगा, मतलब जो भी घर के लिए कार्य दिया है। आंसर सी आ रहे हैं लगभग बच्चों का, एक ही बच्चे का आंसर अलग सा मुझे दिखा है ए, बाकी तो सभी बता रहे हैं सी। छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? अभिभावकों से तो कोई नहीं है इसका लेना देना, दंड तो है ही नहीं सही। तो जब छात्र को उनकी त्रुटियों का क्या हो जाएगा, ज्ञान, फिर हम बताएंगे यहाँ आप गलत और ऐसे आपको लिखना है, तब वो लिखना शुरू करेगा। तो इसका मतलब जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो तब वो लिख पाएगा। सही। पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है, देखिए जरा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार पूजा, हेलो उमेश, सी आंसर दे रहे हैं आप। ओके, लगभग बच्चों का आंसर सी आ चुका है, बिल्कुल। पाठ योजना बनाने के पीछे जो शिक्षक का उद्देश्य क्या है, तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है शिक्षण को क्या बनाना, प्रभावी बनाना। कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि से पढ़ाना है, ये सब पहले से निश्चित होता है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, कथन किसका है?
सी टेट में काफी बार आया हुआ है, आप में से काफी बच्चे सी टेट भी देते हैं, तो जल्दी से आंसर दे दे। सभी आप ही की नकल कर रहे हैं, सही कह रही हैं आप, जल्दी से बता दो भाई। रटा सा ही गया है मुझे तो लगता है ये आंसर, तो सबको बहुत अच्छे से ये परिभाषा याद है। बिल्कुल चामस्की, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता कथन है चामस्की का। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये कथन किसका है? चमकीले भाई का था। क्लास तो चित्रकूट से ही है लाइव, बोलो बेटा। डी वाइगोत्स्की, बिल्कुल सही है आंसर। ये आपकी साहित्य की बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के, DSSB KVS नवोदय कॉलेज व्याख्याता नेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, आप इनके लिए सेट वगैरह के लिए ले सकते हैं इस पुस्तक को। कौन सा कथन असत्य है? अध्यापक उच्चारण अनुकरण में बोल बोल कर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है, छात्र उच्चारण अनुकरण से शब्द बोलना सीखता है, रचना अनुकरण के अभ्यास के लिए कहानी लेख लिखने हेतु दिया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। सोचकर आंसर दीजिएगा। प्रेमराज आप ही बता दो मुझे तो इस शब्द की संधि। थैंक यू मंजू। सी और डी दो उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, कुछ बच्चे सी, ए भी आ गया है, तीन। ए कैसे बता रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अरे ये तो ठीक तो है, उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत तो बोल बोल कर ही शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है, तब छात्र अनुकरण वाचन करता है, सही है ये तो। ए तो सही है। अब आ गए हैं सी और डी। डी है इनमें से कोई नहीं, नहीं ये तो नहीं है। रचना अनुकरण के अभ्यास के लिए कहानी लेख लिखने हेतु दिया जाता है, ये रचना अनुकरण के लिए कहानी की बजाय निबंध लेख का यहाँ पर आएगा, तो आंसर आएगा सी। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह कथन किसका है? ये है ना, आप अलग ले गए क्वेश्चन, ये कह रहे रचना अनुकरण, रचना शिक्षण नहीं पूछा क्या होता है, रचना का अनुकरण करने की बात होती है। रचना शिक्षण जो है अगर बात करें तो उसके अंतर्गत निबंध का रूप आता है। आंसर आप दे रहे हैं बी। ओके, सभी को याद है, ये भी बता रहे हैं कई, लेकिन महात्मा गांधी जी की है कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, इसलिए आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? बेटा मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है उसमें, रूढ़ शब्द है वो। ए और बी, बी वाले कहां से आ गए यार, ये कौशलों का विकास थोड़ी पूछ रहा है। जो बी आंसर दे दिया आपने, छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, कौशलात्मक में नहीं आएगा। कौशल में तो उच्चारण कौशल है, श्रवण कौशल है, उनका विकास होगा भाई।
छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग और उपयुक्त सभी। रीट दोबारा जब सरकार चाहेगी वैसे जल्दी होना चाहिए। आप आंसर बता चुके हैं डी, गुड, बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल, शब्द भंडार में जो वृद्धि होगी, शब्दकोश का उपयोग करेंगे, जिन भी शब्दों का अर्थ नहीं आएगा आप वहां से देख करके ले सकते हैं। स्व अध्याय के माध्यम से आप जब भी कोई चीज पढ़ेंगे, नई चीज आएगी, तो शब्दकोश की मदद से आप अर्थ ग्रहण करेंगे, तो बिल्कुल शब्दकोश बढ़ेगा स्वाध्याय से। और शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का क्या भी होगा, बच्चों प्रयोग भी उनके कहीं शब्द भंडार में वृद्धि करता है। जैसे मैंने कोई नया शब्द बोला, आपने उसे सीखा, तो आपके शब्द भंडार में वृद्धि हुई, तो सबसे ही हो रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। भाषाई कौशल और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है, यह कथन किसका है? ये तो सब सही कर दोगे। हाँ, केवीएस में आपके बिल्कुल जहां मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, वहां काम आ जाएगा। री अटेम्प आपके टेस्ट के अभी मैं आज ही बोल देती हूँ, खुल जाएंगे, आई होप आज रात तक खुल जाने चाहिए, मैं बोल तो देती हूँ अभी। ओहो, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे पता है इस बार आंसर सही आएंगे, आखिर अभ्यास पर निर्भर है ना जी। थॉर्नडाइक, अभ्यास का सिद्धांत, वहां से आपने याद कर लिया। ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के कितने प्रकार बताए थे? हाँ, ये आपका मुझे लगता नहीं है कि अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो डी और सी ये चीजें आपकी आ रही हैं। बाकी पांच बताए थे, तुलनात्मक भी बताया था, कहीं समीक्षात्मक बताया था, समस्यात्मक बताया था वहां पर, तो अलग अलग करके टोटल पांच इन्होंने बताए थे, तो बिल्कुल आंसर आएगा सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा में सौंदर्य शास्त्र से परिचय और निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। जल्दी से बता दो आंसर। लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं डी, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं। ये पूछ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी कक्षा 6 से 8 के लिए पूछ रहा है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम, अरे बेटा गहनतम कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, गहनतम अध्ययन तो नहीं, सरसरी तौर पर भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय नहीं, निजी अनुभवों के आधार पर, बिल्कुल अपने लिख सकता है ना, अभी थोड़े टाइम पहले तो आई थी, देखी सुनी समझी हुई बात को लिखने से लेखन कौशल का क्या होगा विकास, तो ये इसमें सही है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये है आपका अगला प्रश्न, फटाफट आप इसका आंसर दें। डी 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 डी, ओके। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है?
चारों कौशलों का विकास, छात्रों को शुद्ध बोलने लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना और भाषा के नियमों में बांधना, भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना, सारे हैं तो ये सभी। कौन सा कथन सत्य है? बाल साहित्य में जातक कथाएं व कविताओं का समायोजन होता है। बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। बाल साहित्य से शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है व पठन कौशल का तीव्रता से विकास करने में सहायता होती है। और ये सभी, फटाफट आंसर आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग आंसर दे चुके हैं डी, बिल्कुल सही है कि बाल साहित्य जो होता है बच्चों के लिए जो कहानियां वगैरह लिखी गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, बाल साहित्य। उसमें जातक कथाएं व कविताओं का क्या करना, समायोजन भी होता है। उसमें मानसिक विकास में सहायता मिलती है, कोई भी चीज पढ़ेगा शब्दकोश में वृद्धि होगी और पठन कौशल में भी तीव्रता आएगी। तो ये सभी। कौन सा कथन सत्य है? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया। भाषा संसर्ग में अध्यापकों या विशेषज्ञों का संसर्ग छात्र को नहीं मिलता है। भाषा संसर्ग में पठन व लेखन कौशल गौण होता है। ये सभी। जी सीनू, आंसर बताइए फटाफट। डबल आंसर्स नहीं चाहिए, एक ही आंसर दोगे तो अच्छा है बच्चों। सी ए। ठीक है, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है ए, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ भूले भटके डी पर भी आ गए हैं। तो मेरे पास तीन आंसर आ चुका है, ए, सी और डी। आंसर एक है, सबसे पहले आंसर तो इसका डी है। अब जरा एक बार समझो, ए वाले तो कह रहे हैं कि ए ही सही है। देखो, प्रत्यक्ष विधि जो आई थी व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए, राइट, व्याकरणवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए लेकर आए थे प्रत्यक्ष विधि, और फ्रांस में 1901 में, और कौन सी भाषा में इसका प्रयोग किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। एक तो ये चीज सही है। भाषा संसर्ग विधि जो कैसी है, मनोवैज्ञानिक उन विद्वानों की देन है जो ये कहते थे कि दैनिक जीवन में छात्रों को व्याकरण मत पढ़ाओ, बल्कि तीन चार विषय विशेषज्ञों की जो पुस्तकें वो बच्चों को पढ़ने के लिए दो, बच्चा खुद उसे स्वतः पढ़ेगा और पढ़ करके भाषा का क्या करेगा, ज्ञान अर्जित। तो बिल्कुल यह सही है, अध्यापकों या विशेषज्ञों का संसर्ग यानी जो साथ है वो छात्र को नहीं मिलता, केवल उनके क्या दी जाती है पढ़ने के लिए पुस्तकें, बच्चा स्वतः पढ़ करके शुद्ध अशुद्ध भाषा के ज्ञान का प्रयोग करता है। तो ये तो सही है। फिर है, भाषा संसर्ग में पठन व लेखन कौशल गौण होते हैं, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ रहा है तो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन वैसे जो पढ़ना है मतलब शिक्षक जो है वो नहीं पढ़ाएगा, वो स्वाध्याय कर रहा है, तो स्वयं अध्ययन कर रहा है, तो पठन और लेखन दोनों क्या हो जाते हैं, गौण। तो इसका मतलब लेखन भी नहीं आता है। तो ये सभी, लिखेगा तो तब जब शिक्षक उसके साथ होगा, वो उसे नियम वगैरह बताएगा, तब वो चीजें होंगी। तो इसका मतलब, इसका आंसर था ये सभी। भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से लिखी जाती है, विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था और सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। हाँ, संस्कृत विभाग के आंसर की आई है फर्स्ट ग्रेड वालों की। बिल्कुल आप लोगों का इस बार लगभग लगभग सही आंसर है कि भाषा एक नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है।
हिंदी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भाषा के ध्वनि तत्वों से बालकों को परिचित कराना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, और ये सभी आंसर लगभग लगभग बता रहे हैं बच्चे डी। वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं डी। अगर कहें हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो ये उद्देश्य है और ये उद्देश्य बच्चों में उत्पन्न नहीं है, तो इसका मतलब वो हिंदी भाषा के समक्ष क्या है, चुनौतियां हैं। तो हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, चुनौती है, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम नहीं है। ये माना जाता है कि जिसे सिर्फ हिंदी बोलनी आती है, अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, उसका कोई स्टेटस नहीं है समाज के अंतर्गत। तो प्रेम अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा है, तो एक तो ये चुनौती फिर बन जाती है उल्टे तौर पर अगर आप देखोगे तो। ये उद्देश्य है हमारी भाषा का, ये उद्देश्य है क्योंकि ये हमारे सामने हिंदी भाषा की चुनौतियां बनी हुई हैं। तो चुनौती आपके टॉपिक है, तो उसमें ये सारे के सारे बच्चों में गुण विकसित करने हैं, ये है नहीं। भाषा के ध्वनि तत्वों से बालकों को परिचित कराना, पूरे वर्ण विचार का क्या नहीं है, बच्चों को ज्ञान नहीं है, बहुत से वर्ण अशुद्ध लिखते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके अलावा कहें तो हिंदी साहित्य वगैरह के प्रति भी भाषा के प्रति रुचि नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ऐसी कहानियाँ, ऐसे प्रेरक प्रसंग वगैरह इसमें होते हैं जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो अगर बात करें ये सभी, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को अपने बालकों के पास प्रस्तुत करता है तथा उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। यह कथन किसका है? विभा शर्मा, सरोज सक्सेना, मारिया मोंटेसरी, गीता पाठक। बेटा सेकंड ग्रेड की फीस ऑफलाइन 12,000 होगी, ऑनलाइन लगभग मेरे हिसाब से इस समय जब आया था तो 5,000 के समथिंग था, जब लाइव की शुरू में आया था रिकॉर्डेड, मतलब हमने जब शुरू किया है अभी तो वो उसके साथ आया था ऑफर के साथ तब, बाकी एक बार आप देख लेना। बी और सी, सी मारिया मोंटेसरी की नहीं है, सरोज सक्सेना जी की है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को अपने बालकों के पास प्रस्तुत करता है और उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग वो करती है। रेडियो सहायक सामग्री के क्या लाभ है? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, एक साथ अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है, कम खर्चीली है तथा सभी की पहुंच में है, और ये सभी। बेटा सेकंड ग्रेड के आंसर की अभी आ जानी चाहिए 10-15 दिन के अंदर, जल्दी भी ला सकते हैं क्योंकि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के आंसर की तो जल्दी ही बता डाल दी थी, तो मेरे हिसाब से जीके के आ गए तो हिंदी के भी शायद जल्दी आ जा चाहिए, 10-15 दिन में अंदर अंदर आ जानी चाहिए। हाँ फर्स्ट ग्रेड भी और सेकंड ग्रेड भी चांस तो है बेटा आने के पूरे ही, बाकी अभी बजट में पता चल जाएगा। डी आप लोग बता रहे हैं जी। देखिए रेडियो पर बात करें तो आप सभी को पता है जो रेडियो है वो श्रव्य सामग्री है, ठीक है, तो ये श्रव्य सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री तीन प्रकार की है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बहुत से शिक्षण के कार्य हैं जो हमें रेडियो पर सुनाई देते हैं, इग्नू वगैरह से भी जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो आपको रेडियो पर सुनाई दे जाएंगे। एक साथ अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है, कोई भी सरकार की स्कीम वगैरह है, रेडियो आपको पता है यहाँ पर कि कम खर्चीला है और सभी की पहुँच में है, तो लगभग कहें तो भारत में हर व्यक्ति के पास पहुँच रखता है रेडियो, तो हम ये कह सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को उनके अधिकारों के प्रति क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से जागृत, तो ये सभी ही हैं। तो डी आंसर। रचना शिक्षण उपागम के कितने रूप या भेद हैं?
ए बी सी ये सही होना चाहिए। आपके रीट में भी ये टॉपिक रहा है उपागम, उसके बाद इतने आंसर से और भी दो दो उत्तर कैसे आ रहे हैं, दो तो आने ही नहीं चाहिए थे आंसर, दो है मतलब आप कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं कुछ ए बोल रहे हैं, इसका आंसर था सिर्फ ए, दो होते हैं। अगर हम लोग बात करें एक होता है पाठ संसर्ग उपागम, और एक होता है रचना उपागम। फिर इस रचना उपागम के दो भेद होते हैं, एक लिखित उपागम और एक बात करें तो मौखिक उपागम। रचना उपागम के दो भेद हैं, तो यहां से बात करें तो उत्तर क्या आएगा आपका ए। ये व्याकरण की आपकी पुस्तक ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो इससे ले सकते हैं, इसमें पुराने एग्जाम्स में आए हुए ही जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके माध्यम से अपनी। कौन सा कथन असत्य है? निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। रूपरेखा विधि में निबंध की केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है। प्रस्तावना के प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए और ये सभी। हेलो संजय, आंसर आप दें मुझे। डी आंसर है, काफी बच्चे तो ये सभी बता रहे हैं। अरे असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछ रहे, जो डीपर अटक गए आप लोग। ए बी डी तीन उत्तर हैं, डी वालों को तभी मैंने बोल ही दिया तो अब आगे आएगा नहीं, फिर भी ए और बी ये दो आपके आ रहे हैं असत्य में। देखो निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, ये तो सही है। चित्र विधि प्राथमिक स्तर पर होती है, कोई भी एक चित्र बच्चे के सामने क्या किया जाता है प्रस्तुत, और उसके माध्यम से वो बताता है। जैसे कि वहां पर कोई चित्र होगा जहां पर कोई लड़का किसी पेड़ के पास नीचे जैसे बैठा हुआ है, पास कोई नदी बह रही है, तो वहां से उस प्रस्तावना को शुरुआत की जाती है, तो ये तो सही है। रूपरेखा विधि में निबंध की केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है, संपूर्ण नहीं दी जाती, रूपरेखा कुछ लाइनें दी जाती है उनको आधार बना करके जो छात्र है वो पूरे निबंध की क्या करता है रचना करता है, तो संपूर्ण रूपरेखा नहीं दी जाती, तो आंसर ये गलत है, आंशिक रूपरेखा दी जाती है। व्याकरण शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? ये सारों का सही आएगा, सभी सही करेंगे। हाँ कुछ बिंदु दिए जाते हैं, आंशिक रूप होता है रूपरेखा का। हाँ ऑनलाइन आप ले सकते हैं शिवानी, और वही आपको बताएंगे उसका मूल्य। डी वेरी गुड, ये पता ही था मुझे आप ये बताएंगे। सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है ये, और कहें तो संस्कृत शिक्षण में इसका क्या किया जाता है प्रयोग। निगमन विधि जो है ये भी अमनोवैज्ञानिक विधि है और व्याकरण शिक्षण की विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याकरणवाद विधि भंडारकर जी की देन है, व्याकरण के नियम रट लेते हैं, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है व्यवहारिक नहीं। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, छोटे स्तर पर यानी छोटी कक्षाओं के अंतर्गत कहें आगमन विधि का क्या कर सकते हैं प्रयोग। वैसे मनोवैज्ञानिक विधि में यही आती है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, दो इसके भेद माने जाते हैं, तो बाकी भी मैंने आपको इनका बता दिया है। निबंध शिक्षण की विधि कौन सी है? स्वाध्याय, परिचर्चा, चित्र वर्णन, ये सभी। शुभम आप ऑनलाइन मंगा लीजिए अगर आपको बुक नहीं मिली है तो। अनुप जी टाइम जैसे ही होगा शब्द शक्ति पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मुझे आंसर दे रहे हैं डी, गुड, ये सभी।
अगर कहीं स्वाध्याय बच्चा स्वयं अध्ययन करता है इसमें निबंध का, परिचर्चा पहले ही दिन बच्चों को बता दिया जाता है इस निबंध पर हम बात करेंगे, और सेकंड डे शिक्षक बच्चों से उस पर क्या करता है परिचर्चा करता है, चित्र वर्णन अभी आई थी, तो ये सभी निबंध शिक्षण या रचना शिक्षण की विधियां हैं। कौन सा कथन सत्य है? भावपक्ष कविता का श्रृंगार है, श्रृंगार अशुद्ध लिखा है, नहीं तो कोई ना कोई बोलेगा, है ना, तो मैंने शुद्ध कर दिया है। कला पक्ष कविता की आत्मा होता है, कविता के दो पक्ष नहीं होते हैं, और ये सभी ये है ना। ऐसे है, नहीं हटा दूं, मैंने नहीं हटा दिया, अब आप आंसर दीजिएगा। लगभग बच्चे कह रहे हैं कि डी ये सभी हैं। मैं आपको बता देती हूँ, कला पक्ष में तो अलंकार वगैरह ये आते हैं, भाव पक्ष के अंतर्गत जो भाव विचार अभिव्यक्ति है वो आता है, तो बात करें रस वगैरह जो है वो कविता के क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। तो ये सभी यहाँ से नहीं हटा दिया, नहीं तो ये आंसर क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता। कविता के दो ही पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और एक क्या होता है, कला पक्ष। ये सभी एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में काम आएंगे। जी अगर बात करें बिल्कुल कक्षा अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य तो नाटक के लिए और रंगमंच भी नाटक के लिए, तो इसका मतलब कक्षा अभिनय जो है वो ठीक है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है? आंसर सभी के अलग अलग आ रहे थे, कुछ करेक्शन हुआ है, शायद अब आंसर एक आ जाए। बिल्कुल ये सभी, सबसे बड़ा है कल्पना विस्मय शक्ति का विकास होता है, शब्दकोश में भी वृद्धि होती है, एकाग्र शक्ति का भी क्या होता है विकास, तो ये सभी। ये तृतीय श्रेणी हिंदी की पुस्तक है जिसमें व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां दोनों है, क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप ले सकते हैं। कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है? बुक फॉर्मेट के रूप में अभी आई है ना 15 टेस्ट अलग से जो अपने चल रहे हैं ऐप पर, उसके अलावा आंसर बी और सी दो आ रहे हैं, बाकी कैसेट लगभग बच्चों का सी क्यों आ रहा है, दृश्य श्रव्य में नहीं है, कैसेट सिर्फ चलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ श्रव्य है, है ना, तो ये एक ही चीज है बी।
मौन वाचन का महत्व है। थकान बहुत होती है, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहता है, इसमें वाग यंत्रों पर जोर पड़ता है और ये सभी बीडी हाँ वीडियो शेयर भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक तो आपकी इच्छा है, बाकी तो इच्छाएं तो सारी आपकी हैं। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहता है बिल्कुल मौन वाचन से, तो मस्तिष्क भी सक्रिय है और नेत्र भी है। कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ करते हैं? आदेश वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन और गहन वाचन। सोच करके आंसर दीजिएगा, वाचन कौशल से रेगुलर प्रश्न आ रहा है। और वैसे तो नाम से ही क्लियर है तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए। सी और बी दो बता रहे हैं आप, ए भी आ गया। देखो आदर्श वाचन तो सिर्फ कौन करता है? शिक्षक। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ करेंगे, तो उसमें तो सिर्फ शिक्षक है तो हो ही नहीं सकता। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र। इसमें भी अकेला रह गया, अब छात्र इसमें शिक्षक नहीं है तो दोनों हट गए। गहन वाचन, गहन या गंभीर वाचन, जैसे आप लोग अभी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शांतचित होकर के गहन अध्ययन करते हैं, हर चीज को समझते हुए पढ़ते हैं, तो ये भी नहीं है क्योंकि शिक्षक नहीं, यहाँ अकेला छात्र या शिक्षक अकेला खुद ही पढ़ेगा, वैसे छात्र पढ़ते हैं। संवेद वाचन, संवेद वाचन को हम सामूहिक वाचन भी कह सकते हैं। अगर कहें यहां पर अध्यापक के साथ साथ कौन बोल सकता है? छात्र। तो आंसर कौन सा होगा? तीन नंबर। ये आप बाकी बी वाले और ये कैसे है पता नहीं। लेखन कौशल की कौन सी विधि जिसमें छात्र टुकड़ों को जोड़ता है? तो जाती होगी। ओके कुंतल, आपका जन्मदिन है तो हम सबकी तरफ से ही आपको जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, गॉड ब्लेस यू। बी सी डी भी आ गया। ओके बी आ रहा है, सी आ रहा है। देखो सी की बात करें, जैको टोट विधि, तो इसमें तो बच्चा अपनी गलती स्वयं सुधारता है, तो सी तो है ही नहीं। रूपरेखा अनुकरण में बच्चे को लिखना सिखाते। पेस्टालोजी विधि, पेस्टालोजी विधि जो है इसमें बच्चे टुकड़ों को जोड़ करके अक्षर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आंसर होगा बी। कौन सा कथन असत्य है? अर्थबोध विधि में शिक्षक पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों का अर्थ बताता है। इस विधि में छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इस विधि में पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आप आंसर दे रहे हैं बी। बी सी ये तो क्वेश्चन वापस से गड़बड़ हो गया, डी भी आ गया। तीन तीन आंसर, वैसे होना नहीं चाहिए था ऐसा। अच्छा एक बात बताओ,
अर्थबोध विधि में शिक्षक की पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों का अर्थ बता रहे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सक्रिय है? शिक्षक। इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, बल्कि कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक। पहली लाइन से आपका ये निकल जाना चाहिए था। इस विधि में छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, तो ये पूछ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो होगा कैसे? होता है, होता तो होता, सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय है तो नहीं हो रहा है सर्वांगीण विकास, तो सही है। तो आप में से बहुत से बच्चों ने नहीं देखते भी पट्टिका दिया आंसर, जबकि ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि थी। लेखन की कौन सी विधि में छात्र अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं? ये इसका मतलब लेखन शिक्षण की विधियां हैं। बहुत कम का सही था वो। बी आ गया आंसर, डी आ गया रूपरेखा विधि, सी भी बता रहे हैं। स्वतंत्र अनुकरण की बात करें तो रचना अनुकरण के दो भेद हैं ये। स्वतंत्र अनुकरण में तो बच्चे को एक अक्षर दिया जाता है और वो बच्चा वो लिखता है रूपरेखा में, और स्वतंत्र अनुकरण में शब्द दिया जाता है, बच्चा उसका अनुकरण करके लिखता है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो जैसा ऊपर लिखा गया उसका अनुकरण करके लिखता है। ये जैकोटोट विधि जो हमने अभी बात की थी, तो ये है ही नहीं। ये पूछ रहे लेखन कौन सी विधि है जो छात्रों को अक्षरों की आकृति रूपरेखा। आपने ऐसा देखा होगा ना, बच्चों को बुकलेट मिलती है डॉट 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 की, इसके ऊपर बच्चे को पेंसिल फेरने को कहा जाता है। तो ये विधि है जिसमें रूप रेखा, रेखा के रूप में बच्चा उसका अनुकरण करेगा, यानी अक्षरों की आकृति बनाना सीखेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है? बी नंबर। ये आपका थर्ड ग्रेड का रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है जो आप मंगवा सकते हैं, और ये आपके ऑनलाइन बुक के नंबर हैं मेरे हिसाब से, यही है। हाँ, तो आप इससे मंगवा सकते हैं, और 15 मॉडल टेस्ट पेपर है, अपना तैयारी चेक कर सकते हैं। अगले पेपर में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा। Anyway.